गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं और उस यूनिट में दो आपके टॉपिक है अल्कोहल एंड फिनॉल, जिसमें हम अल्कोहल कर रहे थे। और अल्कोहल में भी आपके जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हैं सिलेबस में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हमने कंप्लीट कर लिया था, डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी हम लगभग कंप्लीट करने वाले थे। उसमें एक या दो रिएक्शंस बाकी रह गई थी, उसकी केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे हम, जिसमें जो रिएक्शन बाकी रही थी वो हम आज करेंगे कंटिन्यू। और उसके बाद में जो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल करेंगे आज, ठीक है। ये जो लास्ट रिएक्शन उसमें रह गई थी डाइहाइड्रिक अल्कोहल में, यानी कि ग्लाइकोल, ग्लाइकोल की एक रिएक्शन रह गई थी, पिनेकोल, पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। ये पिनेकोल, पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट जो है हम आज करेंगे। और इसके बाद में ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें अपने एक कंपाउंड है ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी रिएक्शंस, वो सब करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज इस यूनिट का एक पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ये यूनिट दो पार्ट में है, अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अल्कोहल पार्ट आज ख़त्म हो जाएगा। तो अल्कोहल पार्ट के नोट्स जो है वो मैं पीडीएफ फाइल आज डाल दूंगा, सारी चार या पांच फाइलें होंगी, उन सभी को आप डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट ले लें, आपको और कुछ भी नहीं करना, उसको याद करना है बस। कुछ उसमें से नोट्स नहीं बनाने, वो नोट्स बने बनाए हैं जिनसे मैं पढ़ाता हूँ। ये नोट्स मैंने खुद ने बनाए हैं और इन्हीं नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और इन्हीं की ही जो है मैं आपको कॉपी सेंड करूँगा, ठीक है। टोटल मिलाकर ये 64 या 65 पेजेस हैं, और ये सिर्फ आधी यूनिट हुई है, अभी सिर्फ अल्कोहल हुआ है, फिनॉल बाकी है अभी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पिनाकोल, पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। देखिए, आप देख रहे होंगे कि इसमें बेसिकली डायोल, यानी जो ग्लाइकोल था अपना, डायोल से जो है एसीटोन बन गया है, या हम कहें कीटोन बनता है, ठीक है। तो ऑल का मतलब क्या है, अगर आप पिनेकोल का देखें तो पिनेकोल ऑल का मतलब क्या है, अल्कोहल, और पिनेकोलॉन ऑन, ऑन का मतलब क्या है, कीटोन। तो ये शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये नाम ऐसे हैं, पिनेकोल, पिनेकोलॉन। ये ऑल मतलब अल्कोहल और ऑन मतलब कीटोन, ठीक है। ये हाइड्रोजन कैटलाइज्ड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है। कैटलाइज्ड के प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन होती है। और होता क्या है कि देखिए, ये जो है, ये जो CH3 है वो इस जगह आ जाता है, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, CH3 इस जगह आ जाएगा, ये OH पूरा जाएगा और ये हाइड्रोजन जाएगा। तो H2O निकल गया, और इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई है, क्योंकि ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, उसकी कमी को ये पूरा करेगा, CH3 यहाँ आके जुड़ेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ हुई है, और एक CH3 ऑलरेडी था, ये वाला इधर आके जुड़ जाएगा और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल से क्या बन गया, ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, पिनाकोल से पिनाकोलॉन बन गया। 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3-डायोल था ये, और ये हो गया 3,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ऑन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रोटॉन क्या करता है, अटैक करता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो प्रोटॉन जो है वो सबसे पहले इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। और देखिए क्या बन गया, यहाँ OH2 है ना। तो हम सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ 1,2-डायोल, यानी 1,2-डायोल जो का जो है क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। तो पिनेकोल से प्रोटोनेटेड डायोल बन जाएगा। जैसे ही प्रोटोनेटेड डायोल बना, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा है ना, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये देखिए सेकंड स्टेप में ये वाटर का मॉलिक्यूल निकला और यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। या कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन, एक ही बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 1,2 ट्रांसफ़र होगा, यानी यहाँ से जो ये CH3 है, सॉरी ये जो CH3 है, यहाँ से ये ट्रांसफ़र होकर के कहाँ आएगा, इस कार्बन पे आएगा। ये देखिए, रीअरेंज बाय 1,2 ट्रांसफ़र इन कार्बोनियम आयन, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा, यानी ये CH3 यहाँ से रिलीज होकर यहाँ आएगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये CH3 ग्रुप यहाँ आ जाता है। ये देखिए, ये आ गया, ये हो गया 1,2 ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसको कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हो गया प्रोटोनेटेड कीटोन बन गया, ये प्रोटोनेटेड कीटोन। अब इस प्रोटोनेटेड कीटोन, ये प्रोटोनेटेड कीटोन क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर लेगा और हाइड्रोजन को प्रोटोन की फॉर्म में
निकाल देगा। ये देखिए ये निकाल दिया, पिनाकोलोन बन गया। यानी ये जो प्रोटॉन जो स्टार्टिंग में आप देखेंगे रिएक्शन के स्टार्टिंग में यूज़ हुआ था, या हम कहें कि प्रोटोनेटेड जो है ये प्रोटोन कैटलाइज्ड रिएक्शन थी, तो जो प्रोटॉन आपके स्टार्टिंग में यूज़ हुआ था वो आपको वापस एंड में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, देखिए ये हो गया, इसका मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर असममित प्रतिस्थापी डायोल है तो उनमें कार्बोनियम आयन उस कार्बन पे बनता है जो इसको अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, यानी अधिक स्थायित्व किस कार्बन पे मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर असममित प्रतिस्थापी डायोल है, यानी कि एसिमेट्रिक जो है सब्स्टिट्यूटेड डायोल्स हैं प्रतिस्थापी। देखिए यहाँ देखिए ये एसिमेट्रिक सब्स्टिट्यूटेड डायल्स हैं, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर दो फिनाइल ग्रुप है और इस कार्बन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप हैं। ठीक है, तो इनमें से ये कह रहे हैं कि जो कार्बोनियम आयन है वो उस कार्बन पे बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल हो। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हम ये जानते हैं कि ये कार्बन के ऊपर अगर कार्बोनियम आयन बनता है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज इसके ऊपर दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं जो रेजोनेंस के थ्रू इसको क्या करेंगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो प्रोटोनेशन यहीं पर होगा, इस कार्बन के OH के ऊपर होगा। यानी ये OH के ऊपर क्या होगा, ये प्रोटॉन जो है इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और OH2 बनाएगा। यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखिए ये प्रोटोनेटेड हो गया। ठीक है, और फिर ये CH3 का मॉलिक्यूल इस तरफ आएगा और इस कार्बन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1-2 रीअरेंजमेंट होगा, 1-2 ट्रांसफ़र, और ये जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर दे करके H+ की फॉर्म में यानी प्रोटोन की फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा कीटोन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये वही है रिएक्शन, पर यहाँ पर सिर्फ अंतर इतना है कि ये बताया गया है कि अगर एसिमेट्रिक सब्स्टिट्यूटेड डायोल है तो प्रोटॉन कहाँ बनता है, बस इस बात का ध्यान रखें। जैसे ये सिंपल रिएक्शन है पिनाकोल, तो यहाँ पर दोनों जगह कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप थे, तो कहीं पर भी आप चाहें तो इस कार्बन पे आप पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं, यानी कि इस कार्बन के ऊपर आप बना सकते हैं, है ना, या इस कार्बन के ऊपर आप बना सकते हैं कार्बोकेटायन, या तो इस कार्बन पे बनाएं या इस कार्बन पर बनाएं, दोनों में से किसी पर भी। यानी प्रोटोन का अटैक इस ऑक्सीजन पे भी हो सकता है और इस ऑक्सीजन पे भी हो सकता है, लेकिन जब एसिमेट्रिक कार्बन रहते हैं दोनों, तो फिर प्रोटोन का अटैक कहाँ होगा, वहाँ होगा जहाँ से H2O निकलने पर कार्बन जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल हो। अगर यहाँ पर अटैक होता है तो यहाँ H2O बनेगा, जब ये H2O निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा और ये कार्बोकेटाइन फिनाइल ग्रुप से रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबल हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का यानी प्रोटोन का अटैक यहाँ होता है। ठीक है, देन एक इसके बाद आती है सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, यानी अर्ध पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। अर्ध पिनाकोलोन में क्या होता है कि जो बीटा फॉर्म है, बीटा कंडीशन है, उस पर अगर OH की जगह, जैसे हम मान लें ये तो अल्फा पोजीशन है, क्योंकि जिस पे मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्फा होता है, तो ये अल्फा है, इस पे मेजर फंक्शनल ग्रुप है यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसके अलावा जो बीटा कार्बन है उस पे एमिनो ग्रुप, ब्रोमो या आयोडो, यानी दोनों OH नहीं है, OH सिर्फ एक ही है, तो ये क्या हो गया, सेमी पिनाकोल हो गया, आधा हो गया। ठीक है, दोनों होते OH तो वो क्या हो जाता, पूरा हो जाता यानी पिनाकोल, और एक ही OH है तो वो सेमी पिनाकोल, इसलिए इसका नाम जो है वो सेमी पिनाकोलोन रखा है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर OH की जगह पर एमिनो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप या आयोडो ग्रुप, कोई भी हो तीनों में से, एमिनो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है या आयोडो ग्रुप कोई भी सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो ऐसे केस में जैसे एमिनो ग्रुप है तो रिएक्शन कराएंगे HNO2 से, अगर ब्रोमो ग्रुप है तो रिएक्शन कराएंगे सिल्वर ऑक्साइड से, और अगर आयोडो ग्रुप है तो रिएक्शन कराएंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड से। ठीक है, उसका कारण क्या है, HNO2 से जब रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकल जाती है ना, Ag2O से रिएक्शन कराते हैं तो AgBr निकल जाता है, और जब HgO से रिएक्शन कराते हैं तो HgI निकल जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के हमको ये हटाना है, देखो यहाँ पे, ताकि यहाँ क्या है यहाँ पर जो है कार्बोकेटाइन बने, तो जैसे ही हमने HNO3 के साथ में रिएक्शन कराई सॉरी, तो यहाँ पर क्या है, ये NH2 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और NH3 की फॉर्म में निकलेगा ये,
है ना, NH3 की फॉर्म में निकलेगा ये, अभी बताते हैं ना। और ये जब Ag2O से रिएक्शन कराते हैं तो AgBr निकल जाएगा, है ना, और जब यहाँ पर हमने HgO से रिएक्शन कराई तो HgI निकल जाएगा। यानी इन तीनों केस में इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बो कैटायन बनेगा। तो ये देखिए तीनों का सेम जो है प्रोडक्ट बनेगा, और वो है ये जो इंटरमीडिएट बनेगा इन तीनों रिएक्टेंट का, इन तीनों रिएक्टेंट का वो सेम है, चाहे बीटा ब्रोमो एन बीटा एमिनो एल्कोहल हो, चाहे बीटा ब्रोमो एल्कोहल हो, चाहे बीटा आयोडो एल्कोहल हो, इन तीनों का इंटरमीडिएट ये सेम बनेगा। अब ये CH3 इधर आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी कार्बो कैटायन बनेगा, वही ऑक्सीजन OH के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर शिफ्ट कर देगा तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा और प्रोटॉन निकल जाएगा, ये देखिए इस फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से जो है क्या हो जाता है, ये निकल जाता है, यहाँ नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और H2O बनेगा, ठीक है, नाइट्रोजन गैस और H2O बनता है, ठीक है। हाँ यहाँ ध्यान रखिएगा HNO2 से जब रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन गैस और H2O निकल जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसको हम कहते हैं क्या, सेमी पिनाकॉल रीअरेंजमेंट, ये हो गया सेमी पिनाकॉल। तो ये दो रिएक्शंस बाकी रह गई थी, ये हो गया आपका कंप्लीट जिसको हम कह रहे हैं अपना डाइहाइड्रिक अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल। देन उसके बाद में आते हैं अपन ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के ऊपर। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब ये है कि तीन कार्बन के ऊपर लगातार क्या है, तीन OH ग्रुप लगे होते हैं तीन कार्बन के ऊपर, तो वो क्या है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में आ जाते हैं। तीन कार्बन पे ऊपर तीन OH ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, जिसे नोमेनक्लेचर अगर हम बात करें इसकी तो ये है जैसे ग्लिसरॉल, ठीक है, देखिए नोमेनक्लेचर हम देखें तो इसका कॉमन नेम क्या है, ग्लिसरॉल है हम जानते हैं। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन 1-2-3 ट्रायोल, ठीक है। और जैसे ये है तो इसका जो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम वैसे अगर अपन देखें तो ये टेट्रा मेथिलीन ट्रायोल हो जाएगा, ठीक है, टेट्रा मिथाइलिन ट्रायोल होगा इसका, टेट्रा मिथाइलिन ट्रायोल होगा। और IUPAC नेम हो जाएगा इसका ब्यूटेन 1-2-4 ट्रायोल, ठीक है, क्योंकि नंबर देंगे तो 1, 2 और 4 पर क्या है ऑल है ट्रायल। तो बहुत सिंपल नेमिंग होती है इसमें, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रूल्स वगैरह फॉलो होंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देन उसके बाद में हम यूज़ करते हैं जो अपना मेन जो कंपाउंड है उस पर आते हैं, वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल आप जानते हैं प्रोपेन 1-2-3 ट्रायल है ना, और इसको सबसे पहले जो शीले नाम का साइंटिस्ट था उसने 1779 में वसा के साबुनीकरण से यानी सपोनिफिकेशन ऑफ फैट से क्या किया था, इसको लिया था, सपोनिफिकेशन ऑफ फैट से ये बनता है, यानी फैट जो होता है जिसको हम वसा कहते हैं या तेल कह रहे हैं, तेल या ऑयल या फैट, उसमें जब हम बेस मिलाते हैं यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह बेस मिलाते हैं तो सोप बनता है यानी साबुन बनता है और साथ में ग्लिसरॉल निकलता है। ग्लिसरॉल एक बाई प्रोडक्ट है सपोनिफिकेशन ऑफ ऑयल या फैट का, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी नेचुरल ऑयल और फैट आर ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, यानी नेचुरल फैट और जो ऑयल होते हैं ये क्या है ट्राई एस्टर्स होते हैं ग्लिसरॉल के, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड बाय हायर फैटी एसिड्स विद लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है, विद लॉन्ग कार्बन चेन। व्हेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट इज अकर्ड इन द बेस अकर्ड बाय बेस देन ग्लिसरॉल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर फॉर्म्ड विच आर कॉल्ड सोप। सोप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया कि सोप जो है वो क्या है सोडियम सॉल्ट होता है हायर फैटी एसिड्स का, ठीक है, इट मीन ग्लिसरॉल आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री। तो सोप इंडस्ट्री का क्या है, बाई प्रोडक्ट होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्लिसरिल ट्राइएस्टरों में सामान्य जो अपने होते हैं उच्च वसीय अम्लों में पामिटिक एसिड है C15H31COOH, ओलिक एसिड है C17H33COOH और स्टेरिक एसिड है C17H35COOH, ये सारे क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है ट्राइएस्टर्स है ना, और उनकी क्या है लॉन्ग कार्बन चेन, आप देखेंगे कि इनमें 17 कार्बन है, ये लॉन्ग कार्बन चेन 15 कार्बन है, यहाँ भी 17 कार्बन है, ठीक है, लॉन्ग कार्बन चेन के ट्राइएस्टर्स, ये देखिए ट्राइएस्टर्स ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन, ये जो C15H33 या C15H31 या C17H35 ये कहाँ लगती, यहाँ लगते हैं आर की जगह पे,
है ना, तो ये आर की जगह लगेंगे तो ये क्या हो जाए, ट्राइएस्टर्स हो जाएंगे, ट्राइएस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल में क्या हो जाता है, एच आ जाता है, ये यहाँ से टूट जाता है तो वो ग्लिसरॉल हो गया। और अगर ये पूरा लग जाता है यानी कि आर सी डबल बॉन्ड ओ, तो वो क्या हो जाता है, ट्राइएस्टर्स हो जाते हैं। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं ग्लिसरॉल आर द ट्राइएस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स या ऑयल, नेचुरल फैटी एसिड्स और ऑयल। तो यहाँ पर जो फैट या जो ऑयल होता है उसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, बेस के साथ में, यानी NH के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ग्लिसरॉल मिलता है हमको और सोप मिलता है। ठीक है, और ये सोप क्या है, RCOONA, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, है ना। फैटी एसिड जो है, ये जो फैटी एसिड है इनका क्या है, सोडियम सॉल्ट, वो क्या होती है, सोप होती है यानी साबुन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कुछ फॉर्मूले भी दिए हैं जो है ट्राइस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स के, वो ये देख लीजिए, आर की जगह ये लगाया है तो C15H31 लगे हैं तीन, तो ट्राईपीमिटीन हो गए वो, पामिटीन। ठीक है, C17H33 लगे हैं तो ट्राईओलेइन हो गए वो, और C17H35 लगे हैं तो ट्राईएस्टेरीन हो गए। ठीक है, कार्बन की जगह देखिए क्या क्या लगा है, वो यहाँ लिख दिया है मैंने। ठीक है, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हम बात करें तो ये होता है फ्रॉम स्पैंट लाई, स्पैंट लाई की बात करें हम यानी कि शेष लाई द्वारा, तो वो ये जो साबुन बनती है, साबुन बनाते हैं जब सोप फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट बनता है, वो एस्टर होता है, सॉरी ग्लिसरॉल होता है वो, है ना। एस्टर तो फैटी एसिड्स है तो जो बाई प्रोडक्ट होता है वो ग्लिसरॉल होता है। तो स्पैंडलेई बेसिकली जो फैट और ऑयल होता है उसकी रिएक्शन क्या कराते हैं, बेस से कराते हैं। सोप बनाने की रिएक्शन सब जानते हैं कि एस्टर्स की रिएक्शन कराई जाती है सोप NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो ग्लिसरॉल बनता है प्लस सोप बनता है, और सोप अपना क्या है, ट्राइएस्टर, सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्टर्स, सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्टर। ठीक है, ये तो सोप प्लस वाटर, ये जो है क्या होता है, कम्प्लीटली सॉल्युबल सॉल्यूशन होता है, यानी कि पूर्णतः विलेय, क्योंकि आपको मालूम है कि सोप जो है वो पानी के अंदर पूर्णतः घुल जाता है, तो ये कम्प्लीटली सॉल्युबल जो है, यानी कि ये पूरा जो है ये सॉल्युबल रहता है, यानी सोप रहता है, ग्लिसरॉल रहता है और पानी रहता है, ये पूरी तरीके से क्या है, घुला हुआ रहता है। इसके अंदर क्या डाला जाता है, सॉल्ट डाला जाता है, यानी कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl होता है, आप जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। जब इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन में क्या क्या है, ये चीज़ें हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर जब कॉमन सॉल्ट डालते हैं अपन, तो क्या होता है कि एक PPT आ जाता है ऊपर। ठीक है, और वो PPT को क्या किया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है। वो जो PPT है वही बेसिकली क्या है, सोप है, उसको जो है जमा दिया जाता है, तो वो साबुन, और बाद में उसको जो है पीसेस में कट कर लिया जाता है। वो जो PPT आता है सोडियम यानी NaCl डालने पर, वही क्या होता है, अपना सोप होता है। ठीक है, और फिल्टर करने पर जो स्पैंड लई होती है, उस स्पैंड लई के अंदर 5.8% ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, फिल्टर करेंगे हम तो PPT कम्स आउट, फिल्टर द सॉल्यूशन एंड टेक स्पैंड लई। हमें यहाँ ग्लिसरॉल चाहिए तो हम स्पैंड लई ले रहे हैं, बाकी साबुन तो आपका बन गया, NaCl आपने डाला, जो PPT आया उसको अलग कर लो और उसको जमा दो, तो वो साबुन बन गया। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, स्पैंड लई चाहिए, क्योंकि स्पैंड लई फिल्टर करने के बाद स्पैंड लई उसके अंदर 5.8% ग्लिसरॉल है। ठीक है, और स्पैंड लई हैव सम इम्पेरिटीज लाइक वाटर, फैटी एसिड, फ्री बेस, कॉमन सॉल्ट एंड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉप। अब इस स्पैंड लई के अंदर बहुत सारी जो है इम्पेरिटीज है, इम्पेरिटीज क्या क्या, जिन चीज़ों से ये बना है और जो साथ साथ बने हैं, जैसे पानी था, पानी की इम्पेरिटीज है। ठीक है, और फैटी एसिड से बना है ये, तो फैटी एसिड की इम्पेरिटी है ना। बेस मिलाया गया था NaOH, वो भी कुछ अमाउंट में रहेगा जो अनरिएक्टेड रहता है, उसकी भी इम्प्योरिटी है। कुछ कॉमन सॉल्ट जो हमने डाला था PPT के लिए, NaCl, उसकी भी इम्प्योरिटी होगी। और कुछ जो है यहाँ पर सॉल्युबल सोप, जो सोप बना था वो पूरा PPT ना होकर के तो कुछ तो रह ही जाता है सॉल्युबल फॉर्म में, उसकी भी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। तो इस स्पैंड लाई को क्या करते हैं, हीट करते हैं वेपर कॉयल से, और इसके अंदर डाइल्यूट HCl मिलाते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसको, फ्री बेस को। जो फ्री बेस है सबसे पहले हम उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और वो किससे करेंगे, हम HCl से कर देंगे, यानी इस स्पैंड लाई को ले लेते हैं और वेपर कॉइल के थ्रू इसको गर्म करते हैं, यानी कि कॉइल वेपर के थ्रू। ठीक है, कॉइल्स के अंदर क्या है, वेपर जो है पास करते हैं, जिससे बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, वेपर पास करी जाती है कॉइल्स के अंदर, एक चैम्बर में लेते हैं जिसके अंदर कॉइल्स होती हैं, और कॉइल्स के में क्या किया, वेपर पास की जाती है जिसके थ्रू इसको गर्म किया जाता है, और HCl मिला दिया जाता है। वो HCl क्या कर लिया, कर लेता है बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, फिर उस सॉल्यूशन को छान लेते हैं, कम से कम बेस तो खत्म हुआ, और ट्रांसफर कर लेते हैं एक दूसरे टैंक के अंदर। ठीक है, उस दूसरे टैंक के अंदर ये जो सॉल्यूशन है जिसमें बेस तो हट चुका है, उसमें अब क्या मिलाएंगे, हम एल्युमिनियम सल्फेट मिलाएंगे,
और फिर से उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। एल्युमिनियम सल्फेट क्या करता है, अगर फ्री बेस थोड़ा बहुत भी प्रेजेंट है तो एल्युमिनियम सल्फेट उसको क्या करेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और प्रेसिपिटेट आउट कर देता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। फिल्टर कर लो उसको, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत भी सॉल्युबल सोप बाकी है उसके अंदर, अगर कुछ अमाउंट में सॉल्युबल सोप भी है, तो क्या करता है कि ये कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल एल्युमिनियम सोप में उसको, ठीक है, और वो भी फिल्टर के थ्रू क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग हो जाता है। यानी जो हमने सेकंड टैंक में लेकर के अंदर उसमें एमोनियम एल्युमिनियम सल्फेट मिलाया, उस एल्युमिनियम सल्फेट ने क्या किया, दो काम किए कि एक तो अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत भी, अगर क्योंकि पहले HCl डाला था तो उसने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत बेस बच गया है तो एल्युमिनियम सल्फेट जो है उसको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT आ जाता है। साथ में अगर उसमें कुछ सॉल्युबल फैट है तो उस सॉल्युबल फैट को भी वो क्या कर देता है, सॉल्युबल सोप है अगर, तो उस सॉल्युबल सोप को भी वो क्या कर देता है, एल्युमिनियम सल्फेट इन सॉल्युबल एल्युमिनियम सोप में कन्वर्ट कर देता है। इन सॉल्युबल एल्युमिनियम सोप मतलब अघुलनशील एल्युमिनियम साबुन। तो दोनों अघुलनशील हो गए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी और एल्युमिनियम सोप भी। तो उस सॉल्यूशन को क्या कर लो, फिल्टर कर लो। तो जो PPT है उसके अंदर एक तो बेस निकल गया, जो भी थोड़ा बहुत था वो बेस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में निकल गया, और जितनी भी सॉल्युबल सोप थी वो इनसॉल्युबल एल्युमिनियम सोप के रूप में निकल गई, ठीक है। अब जो लिक्विड बचा है उसको फिल्टर कर लिया हमने, और बचे हुए लिक्विड को आप क्या करेंगे, कंसनट्रेट करेंगे, क्योंकि अब उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं है, अब सिर्फ पानी ही है बेसिकली। तो उसको आप कंसनट्रेट किया जाता है, और कंसनट्रेट कैसे करते हैं, वेपराइजेशन से। वेपराइजेशन करने से क्या होगा, कंसनट्रेट करेंगे हम, पानी उड़ेगा, ठीक है। पानी उड़ जाएगा तो अपने आप ग्लिसरॉल क्या हो जाता है, कंसनट्रेट हो जाता है। तो वेपराइज करके हम क्या करते हैं उसको, जो है कंसनट्रेट करते हैं बाय द वेपराइजेशन एंड NaCl इज सेपरेट आउट। और जब पानी हट जाता है तो NaCl जो है वो भी अपने आप क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है, नीचे जम जाता है, उसको अलग कर लिया जाता है। फिर फिल्टर कर लेते हैं जिससे NaCl अलग हो गया, फिर उसको वेपराइज करते हैं अपन कहाँ, लो प्रेशर पे। ध्यान रखिएगा ये लो प्रेशर पे जो है हम बार बार काम करते हैं इसको वेपराइजेशन का, ये क्यों किया जाता है, ताकि ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक ना हो, ठीक है, इसलिए लो प्रेशर पे ये काम किया जाता है। बाई विच NaCl इज सेपरेट आउट एंड रिमूव इट, ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, NaCl जो बचा हुआ है वो भी सेपरेट हो जाएगा और उसको हटा दिया जाएगा। इस प्रोसेस से जो ग्लिसरॉल मिलता है वो कंसनट्रेट हो जाता है 10% तक, क्योंकि अभी सिर्फ NaCl हटाया, 10% तक उसको हमने क्या कर लिया है, जो है ग्लिसरॉल को कंसनट्रेट कर लिया है। फिर इस ग्लिसरॉल को वापस डिस्टिल करते हैं हम लो प्रेशर पे और प्योरीफाई करते हैं। मैंने कहा ना बार बार कि लो प्रेशर पे क्यों कर रहे हैं, ताकि ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल टूटे ना, ठीक है। तो हम फिर से अब इस ग्लिसरॉल को जो 10% तक कंसनट्रेट हुआ है इसको, और वापस से क्या करते हैं, लो प्रेशर पे हम इसको डिस्टिल करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, और ग्लिसरॉल का कलर हटाने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल भी मिला देते हैं, जिससे कलर ख़त्म हो जाता है किसी भी प्रकार का कोई कलर होता है तो। और इस तरीके से कंसनट्रेट करके हम 98.99% तक का ग्लिसरॉल मिल जाता है हमको, प्योर ग्लिसरॉल हम प्राप्त कर लेते हैं 98.99% तक का। ओके देखिए ये जो है इसका इक्विपमेंट, या हम कहें जो प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, वो है स्पैंडलई है, एल्युमिनियम सल्फेट डाला हमने वेपर, है ना, पंप के थ्रू इधर आया ये, और यहाँ पर जो है NaCl हमने कनेक्ट कर लिया अलग, वेपर के थ्रू ही गर्म करेंगे हम इसको, फिर वैक्यूम पंप, और ये यहाँ ग्लिसरॉल इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है मैंने अभी आपको जो समझाया ये वही इसके अंदर शो किया गया है। देन उसके बाद में एक और मेथड है इसका, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। शुगर के फर्मेंटेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, ग्लिसरॉल बना सकते हैं, क्योंकि शुगर का जब फर्मेंटेशन करते हैं हम अल्कोहल बनाने के लिए, शुगर का जब फर्मेंटेशन करते हैं तो वहाँ पर ग्लिसरॉल 3% जो है ग्लिसरॉल मिलता है एज ए इम्प्योरिटी उसके अंदर। तो जो यहाँ पर जब हम फर्मेंटेशन करेंगे तो ग्लिसरॉल मिलता है कितना, 3% इम्प्योरिटी की फॉर्म में। तो उस फर्मेंटेशन के दौरान अगर हम उसमें सोडियम सल्फाइट डाल दें, Na2SO3 सोडियम सल्फाइट मिला दें, तो ग्लिसरॉल की अमाउंट बढ़ जाती है 20 से 25% तक बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि Na2SO3 जो है वो क्या करता है, उसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, और इससे क्या हो जाती है, ग्लिसरॉल की जो येल्ड है, जो प्राप्ति है, लब्धि है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, ग्लिसरॉल को अलग कर सकते हैं। देखिए नीचे रिएक्शन दी हुई है कि सुक्रोज से ही हम क्या करते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद में यीस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं उसको,
अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो सुक्रोज है, इसका जब यीस्ट और H2O के थ्रू हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है मोनोसैकेराइड में। और उस टाइम पे अगर हम इसके अंदर Na2SO3 मिला दें, क्योंकि इस टाइम पे जब ये बना है तो इसके इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी हैं इसके साथ में, और इससे तो बनेगा क्या, अल्कोहल बन जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनके अंदर क्या रहता है, 3% ग्लिसरॉल रहता है। उस 3% ग्लिसरॉल को हमें प्राप्त करना है, तो ये जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज है इससे तो अल्कोहल बनेगा, इसको तो अलग कर लेंगे। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, उसी टाइम पे Na2SO3 मिला देते हैं, यानी सोडियम सल्फाइट। ये सोडियम सल्फाइट क्या कर रहा है कि इसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करा देता है, जिससे जो 3% ग्लिसरॉल है उसकी अमाउंट 20 से 25% तक बढ़ जाती है। और उसको हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और उसको अलग कर लेते हैं, ये रहा ग्लिसरॉल, ठीक है। तो हम अल्कोहल बनाते हैं जब, तो उस टाइम पर भी जो है साथ में ग्लिसरॉल बना सकते हैं। देन उसके बाद में है सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड में क्या है, पेट्रोलियम जो है पदार्थों से बनाया जाता है अल्कोहल को। जो पेट्रोलियम का जब भंजन करते हैं तो उस समय पे क्या है, प्रोपिलीन मिलती है। प्रोपिलीन एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जब जब अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं पेट्रोल का, और वहाँ पर अलग अलग अपने को जो है कंपाउंड मिल रहे होते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोल तार, ये सारी चीज़ें, ईथर वगैरह जो है, क्योंकि ये सब क्या मिलती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उस टाइम पर एक प्रोपिलीन भी मिलता है, और प्रोपिलीन जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, लगभग 30% तक मिलता है। इस प्रोपिलीन से जो है ग्लिसरॉल बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रोपिलीन इज़ द इनिशियल कंपाउंड ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल निर्माण करने का ये जो है प्रारंभिक पदार्थ है। कैसे है ये देखो, ये है प्रोपिलीन। इससे देखो तीन मेथड दिए हैं ग्लिसरॉल बनाने के, तीन मेथड हैं। पहला मेथड हमने क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी ऑक्सीडेशन कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया है। तो ये देखिए, ये जो एक बॉन्ड है वो टूटेगा और ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा यहाँ पर, एक है ना, इपॉक्साइड टाइप का कुछ बन जाता है। फिर वापस और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक बार और ऑक्सीडेशन कराया, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में, CHO में, ठीक है। देन रिडक्शन करा दें हम इसका, एल्डिहाइड का जो रिडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए बाकी ये एज इट इज चल रहा है, ये जो इपॉक्साइड बना हुआ है ये एज इट इज चलेगा। स्टार्टिंग में ये इपॉक्साइड बना था, है ना, पाई बॉन्ड टूटा था और ऑक्सीजन जुड़ा था। तो ये जो साइक्लिक फॉर्म है, ये जो साइक्लिक जो यहाँ पर एक कंपाउंड है या इसके साथ में जो जुड़ा हुआ इसका पार्ट है, वो एज इट इज चलता रहेगा। उसके बाद जो आपने ऑक्सीडेशन किया है, क्योंकि टफ नहीं है मेथड, बहुत ईजी है, उसके बाद ऑक्सीडेशन किया तो इसका ऑक्सीडेशन होगा मिथाइल ग्रुप का, और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। फिर आपने रिडक्शन किया, कैटालाइटिक रिडक्शन किया, तो ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद H2 और NaOH, ठीक है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस किया इन बेसिक मीडियम, तो हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में करेंगे हम NaOH की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला कंपाउंड देखिए, CH2OH आ जाएगा और एक OH बनेगा। तो देखिए मान लीजिए ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये वाला टूटा और ये ऑक्सीजन लेके गया इलेक्ट्रॉन को, तो CH2O- और CH पाएगा प्लस, H2O ब्रेक होगा तो H+ और OH-, H+ कहाँ जाएगा, इसके पास, तो ये CH2OH हो जाएगा, और OH- किस पे जाएगा, इस कार्बन पे, तो ये भी CH2OH हो जाएगा, और ये बन गया आपका ग्लिसरॉल, ठीक है। सेकेंड मेथड है कि वही हमने क्या किया है, यहाँ पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया, तो ऑक्सीडेशन जो है वो यहाँ कैटलिस्ट हम ऐसा लेंगे जो ऑक्सीडेशन करेगा किसका, सिर्फ मिथाइल ग्रुप का, डबल बॉन्ड का नहीं। और मिथाइल ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एक्रिलो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। यानी मिथाइल ग्रुप का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, यानी CH डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ऑक्सीडेशन करेंगे हम, ठीक है। यानी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम कि सिर्फ वो मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ बनेगा एक्रिलो एल्डिहाइड। और इसका रिडक्शन करेंगे तो ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, यानी CH2OH में, तो ये क्या बन गया, बेसिकली एलाइल एल्कोहल बन गया। एलाइल एल्कोहल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया, Cl2 के साथ में रिएक्शन कराई। तो देखिए एलाइल एल्कोहल है, Cl2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये एक पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों जगह सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दो Cl जुड़ जाएंगे, एक यहाँ जुड़ गया एक यहाँ जुड़ गया, देखिए, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड हट गया। अब हम इसके बेस से रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे हमने
मान लीजिए बेस के साथ में रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, ठीक है। H यहाँ से निकलेगा और Cl ये निकला, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, यहाँ भी एक एपॉक्साइड बन जाएगा, देखो, ठीक है। HCl निकलेगा, जो बेस क्या करेगा, HCl को यानी एसिड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो HCl निकला और यहाँ पे ये ऑक्सीजन से ये दोनों कार्बन जुड़ गए, एपॉक्साइड बन गया, इसको हम बोलते हैं एपीक्लोरोहाइड्रीन। ये जो एपीक्लोरोहाइड्रीन है, यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड से वही क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। देखिए ये भी हाइड्रोलाइसिस किया था बेस के प्रेजेंस में, ये भी हाइड्रोलाइसिस से बेस के प्रेजेंस में, और इससे भी क्या बनेगा, ग्लिसरॉल ही बनता है, ठीक है। थर्ड जो मेथड है वो क्या किया गया है, यहाँ पे पहले प्रोपिलीन का क्लोरीनेशन किया है, तो वो यहाँ से निकले, क्लोरीनेशन करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, Cl जुड़ जाएगा यहाँ पर और निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से Cl जुड़ गया, यानी Cl CH2 CH CH2, डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एलाइल जो है हैलाइड में या एलाइल क्लोराइड में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी रिएक्शन कराई गई है हाइपोक्लोरस एसिड के साथ में, यानी HOCl के साथ में। HOCl के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, दो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यानी पाई बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये OH यहाँ जुड़ेगा और Cl यहाँ जुड़ेगा। देखो इस कार्बन पे ऑलरेडी Cl था, इस कार्बन पे OH जुड़ेगा और इस कार्बन पर Cl जुड़ेगा। देखिए हम किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ जुड़ गए, फिर वापस बेस से रिएक्शन कराएंगे तो वही जैसा यहाँ हुआ था, बेस के साथ में रिएक्शन कराई थी आपको याद होगा, तो HCl निकला था और ये एपीक्लोरोहाइड्रिन बना था, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ होगी। बेस से रिएक्शन कराई, HCl निकलेगा, एपीक्लोरोहाइड्रिन बनेगा, और एपीक्लोरोहाइड्रिन का हमने वही किया है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस किया है, बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस किया, ग्लिसरॉल बन रहा है, ठीक है। तो ये तीन मेथड हैं, या तीनों में से कोई सी भी रिएक्शन आप यूज़ कर सकते हैं प्रोपिलीन से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करने की, ठीक है। प्रोपिलीन से हम कहेंगे यहाँ पर Cl2 से रिएक्शन कराई, ध्यान रखना HCl निकल जाता है, ये यहाँ पर जो है रिएक्शन, यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ शायद, Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, HCl माइनस HCl लिख दीजिएगा, HCl निकल जाएगा, H और Cl निकल जाएगा, Cl यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है। ये एलाइल क्लोराइड बनता है, ये हो गया ग्लिसरॉल बनाने की सिंथेटिक मेथड, ठीक है। आई थिंक ये सिंथेटिक मेथड है, या सिंथेटिक मेथड। देन उसके बाद में एक और है, सिंथेसिस फ्रॉम एलिमेंट, एलिमेंट से यानी तत्वों से भी हम क्या कर सकते हैं, ग्लिसरॉल बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहला जो मेथड है वो है प्रोपीन, ग्लिसरॉल निर्माण का प्रारंभिक पदार्थ है। प्रोपीन जो है वो एक इनिशियल कंपाउंड है, हम कहते हैं प्रोपाइन जिसको हम कह सकते हैं, इट इज़ ए इनिशियल कंपाउंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, ये रहा प्रोपीन, बेसिकली प्रोपिलीन ही कहेंगे इसको हम, ये देखिए प्रोपिलीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वही चीज़ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो प्रोपीन कह दो या प्रोपिलीन कह दो एक ही बात है ना, प्रोपीन कॉमन नेम है, प्रोपिलीन कॉमन नेम है, प्रोपीन इसका IUPAC नेम है, ठीक है, प्रोपीन इज IUPAC। तो इसमें हमने ये कैसे किया है, अब ये प्रोपीन हमने कहा कि ग्लिसरॉल बनाने का इनिशियल कंपाउंड है, तो यहाँ हमको देखना है पहले कि हमने प्रोपीन कैसे बनाया, पहले हमें प्रोपीन बनाना है, उसके बाद प्रोपीन से हम क्या करेंगे, ग्लिसरॉल बनाएंगे। तो प्रोपीन हमने किससे बनाया, एलिमेंट से, क्योंकि हमको तत्वों से ही बनाना है, एलिमेंट से, कार्बन और हाइड्रोजन को लेकर के हम इलेक्ट्रिक आर्क जब लगाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है, तो इथाइन बनता है, यह हम जानते हैं। इस इथाइन की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट मर्क्यूरिक सल्फेट, ठीक है, की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, और जैसे ही हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिटल्डिहाइड बनेगा, हम जानते हैं CH3, क्योंकि दो बॉन्ड टूटेंगे यहाँ, दो पाई बॉन्ड टूटेंगे तो चार बॉन्ड बनने चाहिए, तो दो इस पे और दो इस पे, तो दो बॉन्ड इस पे बनेंगे, तो दो बॉन्ड इस पे बनेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर दो हाइड्रोजन लग जाएंगे तो CH3 हो जाएगा, और इस पे जो दो बॉन्ड है उस पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, H2O है ना, दोनों हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन इस कार्बन पर जुड़ जाएगा डबल बॉन्डेडली, तो CH3CHO एसिटल्डिहाइड बनेगा। एसिटल्डिहाइड का आप जानते हैं ऑक्सीडेशन कराने पे एसिटिक एसिड बनेगा, और एसिटिक एसिड है, उसके बाद हमने क्या कैल्शियम सॉल्ट से लिया है और डिस्टिलेशन कर दिया है, तो यहाँ एसीटोन बन जाता है, ठीक है, CH3CO CH3, कैल्शियम सॉल्ट लिया, ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा।
इस एसीटोन का हमने रिडक्शन किया है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है, क्योंकि सीओ का क्या बन जाएगा, सीएचओएच हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का हमने क्या कर दिया, यहाँ डिहाइड्रेशन कर दिया। डिहाइड्रेशन का मतलब है कंसनट्रेट H2SO4। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये बना प्रोपीन। तो अब ये प्रोपीन किससे बना, एलिमेंट से। अब इस प्रोपीन से हम आगे क्या कर सकते हैं, इजीली जो है वो बना सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, ग्लिसरॉल। प्रोपीन की रिएक्शन कराएंगे हम Br2 से, दोनों सॉरी पाई बॉन्ड टूटेगा, दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और दोनों पर Br जुड़ जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बन गया। फिर इसकी रिएक्शन कराई हमने आयोडोब्रोमाइड से, ठीक है, IBR से। तो देखो क्या होगा, इस जगह भी क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा और HI निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से H निकलेगा ना, HI निकल जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड निकल जाएगा, माइनस HI लिखना मैं भूल गया शायद। तो ये बन जाएगा ग्लिसरल ट्राइब्रोमाइड। ये ग्लिसरल ट्राइब्रोमाइड जो है इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ग्लिसरॉल बन जाता है। ये बन गया ग्लिसरॉल। तो ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो हमने एलिमेंट के थ्रू क्या बना दिया है, यहाँ ग्लिसरॉल बना दिया है, ठीक है। एक और इसके अंदर है कि ग्लिसरॉल जो प्रोपीन जो हमारा इनिशियल कंपाउंड था, उस प्रोपीन की हमने Cl2 के साथ में रिएक्शन कराई है एट 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जब हम 600 डिग्री सेल्सियस पे इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर Cl जुड़ जाता है, यानी HCl निकल जाएगा और एक Cl जुड़ेगा, तो ये एलाइल क्लोराइड बनेगा। इस एलाइल क्लोराइड की हमने हाइड्रोलाइसिस कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो HCl निकल जाता है और OH जुड़ जाता है, तो एलाइल अल्कोहल बन जाएगा। इस एलाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे हम हाइपोक्लोरस एसिड के साथ में, HOCl के साथ में। एक बॉन्ड टूटेगा, OH जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। ये देखो OH जुड़ गया, Cl जुड़ गया, सीधा सीधा। तो ये हो गया 3-chloropropane-1,2-diol, ठीक है। और अब इसका वही है, हाइड्रोलाइसिस करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ग्लिसरॉल बन जाता है। तो ये भी कर सकते हैं प्रोपीन बनने के बाद, तो जरूरी नहीं आप प्रोपीन बनने के बाद ये प्रोसेस इस्तेमाल करें। प्रोपीन बनने तक तो दोनों स्टेप सेम रहेंगे, यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन से ये सब होकर के यहाँ प्रोपीन बनेगा। प्रोपीन बनने के बाद में आप चाहें तो ये वाला स्टेप फॉलो करें या फिर ये वाला स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी क्या थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे।